मैं जी एक कलाम पेश करना चाहना मुहम्मद मुस्तफा के बच्चों का। उन्होंने मैं मनने वाला दरवेश आदमी हाँ मुहम्मद के बच्चों का। अज तो पिछे 1500 साल बाद का मैं कलाम मीर मोहम्मद साहब ने पढ़िया तो गया उस बाद पढ़िया पट्टी साहब का कलाम मैं पेश कर नैत सैन पट्टी 18,000 से आलम आया 18,000 आलम आया अगे हुसैन के मरीद जजीन ने खत लिखा मदीने च मेरी आके गल सुनो 15,000 साल बाद पिछे मदीने आलम कठे हो गए सारे मोहम्मद मुस्तफा के घर के गल गई कश ने खत लिया पढ़िया मोहम्मद का बच्चा हुसैन इबन मोहम्मद काले कमली वाले का बच्चा डिगर ते दिन इमाम हुसैन डिगर वेले मदीने निकल पे ने आलम पढ़ते ने पढ़ पढ़ के मसीता चो निकलते ने खाने का पर निकले ने ते सलामा करते ने किने किने जाना है ते मगर हुसैन दे कोई नहीं टुरदा ते जे करती ना इलम विच होता ते सिर ने जे क्यों चलदा हुसैन ने पिछे वेख्या 1,000 मील जाके पिछे कोई शहर नहीं आ रही कोई आलम नहीं कोई फाजल नहीं कोई मौलवी नहीं कोई अलवी नहीं कोई कोई आदमी बशर नहीं है तो हुसैन करबला चले गए ने जाके यजीद के सामने पेश होए ने यजीद ने बयान किया मेरी बैत कर ला हुसैन सच्चा सी मोहम्मद का बच्चा सी काले कमली वाले का नवासा सी उन्होंने आख्या मैनू नहीं कबूल है तू अपनी गल कर होर जी कोई गल है ऐसी मैं गल करनी है और सारे अपने बच्चे बुला मैं तेरे जंग भी करा दा नहीं तो तू मेरी गल मनेगा नहीं तो वरना मैं तेरे जंग करा तेरी मैं पुश्त मुका लियागा हुसैन ने आख्या मैं मुका लेना पढ़न मैं लड़ना नहीं ना तेरी मैं बहस करनी है मेरे ना गल रख उस बाद जंग करेगा जरूर मजबूर करेगा तो मैं करा हुसैन ने बच्चे बुला ले बच्चे आ गए 1,300 किलोमीटर मदीने उपर बराश बच्चे आ गए यजीद ने जंग शुरू कर दी उस बाद किसी आलम ने नहीं मोहम्मद मुस्तफा बच्चे का साथ दिता उत्थे फिर लड़ाई हुई मां इमाम दी फातिमा तो दारा के बच्चों की अल्लाह पाक ने उन्होंने फतह दिता आज दीन मुकम्मल हो गया जनाब ओदा बाद मैं बयान शुरू किया और सुनाया।